दोस्तों अभी आपके सामने आ रही है मुंबई की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट, बुक माई शो की लाइव भाई बिल्कुल हाउसफुल जा रहे हैं गेटी पे, G7 मल्टीप्लेक्स में भाई सब 8 में से 6 शोज फुल हम, संडे को मंडे को भाई वीकेंड पे हर जगह आग फैल रखी है, किसी की बाइक किसी की जान की। अगर हम बात करें फिल्म अपने डे वन पे कितने कमा पाएगी, फिल्म का बजट 108 करोड़ रुपए है एग्जैक्ट, और उम्मीद है कि ये ईद के दिन बहुत ही अच्छी खासी कमाई करने वाली है। दोस्तों आप जान देंगे 21 और 22 को ईद है तो फिल्म उस दिन ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी क्योंकि लोग बिजी होंगे, अपने डे वन पे 18 से लेके 20 करोड़ के आसपास की कमाई कर लेगी। जहां फिल्म को 4500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है एक साथ, इसमें 502 स्क्रीन तो भाई केवल इसकी मुंबई में है भाई। ओहो क्या ही बाप लेवल का क्रेज है अपने भाईजान का। अगर बात करें फिल्म की डे टू की कमाई के बारे में, दोस्तों उस दिन ये बहुत ही तगड़ा उछाल लेने वाली है क्योंकि उस दिन है शनिवार, इसका पहला वीकेंड, उस दिन ये 25 से लेके 30 करोड़ कमाने वाली है। फिर आता भाई इसका वर्ड ऑफ माउथ, मतलब पब्लिक जब देख के बाहर आएगी थिएटर में से ओहो बिल्कुल पागल होने वाली हो, और वो भर भर के बोलेंगी भाई इस फिल्म को तो एक बार देख लो, क्या ही एक्शन था भाई, मजा आ गया देख के। तो फिर आएगा संडे इसका डे 3, उस दिन भाई आराम से 35 से लेके 40 करोड़ के आसपास की कमाई आराम से कर लेगी। तो इस तरह से फिल्म अपने डे 1 से लेके डे 3 तक इंडिया में ग्रॉस कमाई कर लेगी 60 से लेके 80 करोड़ के बीच में आराम से, आंख बंद करके भाई आप लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो आप, मतलब मेरे इस आवाज का रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओहो फिर बात आती क्या ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। दोस्तों पठान जैसी फिल्म तो साल में बस 20 साल में एक बार आती है, बट जो किसी का भाई किसी की जान है वो भाई हर साल एक ही बार आती है, बट उस एक बार में इतना धमाल कमाल बेमिसाल कर देती है कि ओहो फैंस के तो वारे वारे हो जाती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भाईजान के फैन हो दोस्तों, आप इस मूवी की रिव्यू अपडेट कमाई हर एक चीज़ मैं आपको दूंगा, तो कर दो सब्सक्राइब। बाय।